नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी पाठ के अंतर्गत यह जो दूसरा पाठ है गीत, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। गीत पाठ के पहले भाग में हमने यह पढ़ा कि लेखक अपने बच्चे की जिद पर उसे एक कहानी सुनाते हैं और कहानी में बताते हैं कि पहाड़ी के उस पार एक गांव रहता है। उस गांव में चारों तरफ संपन्नता रहती है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, सभी लोगों में भाईचारे की भावना पाई जाती है, सभी लोग एकजुट होकर रहते हैं। और इस गीत पाठ के दूसरे भाग में हमने यह पढ़ा कि समय बीतने पर उस गांव के लोगों के मन बदल जाते हैं। लोग एक दूसरे को हानि पहुंचाने की सोचते हैं, लोग अनेक प्रकार की बुराइयों में लिप्त हो जाते हैं, गांव की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है और सभी लोग एक दूसरे से अलग होने की सोच लेते हैं। अब हम चलिए देखते हैं कि इस पाठ में और आगे क्या होता है। प्यारे बच्चों, पिछले भाग में हमने यहाँ तक पढ़ा था, चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ से एक बार फिर से। जब पानी सर से ऊंचा हो गया और बचाव का कोई उपाय न रहा, तब बस्ती वालों ने तय किया कि इस प्रतिदिन के उपद्रव से अच्छा है इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। जब बस्ती वाले आपस में परेशान हो गए, जब धोखा, फरेब, लूटमार, हत्या, विनाश यह बस्ती वालों के रोज का नियम बन गया, तो इस समस्या से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए एक दिन लोग आपस में बैठक करते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। इस निर्णय के बाद वे दो गुटों में बट गए। सारे युवक हाथों में बल्लम और तलवारें लिए मैदान में एक दूसरे के सम्मुख आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों से क्रोध और नफरत की चिंगारियां निकल रही थीं और उनकी मुट्ठियां बल्लम और तलवारों की मुठों पर मजबूती से कसी हुई थीं, एक दूसरे पर झपट पड़ने को तैयार थे। प्यारे बच्चों, इस छोटे से पैराग्राफ का हम अर्थ देखते हैं। जब लोग अलग अलग होने के लिए, अलग अलग गुटों में बंटने के लिए आमने सामने खड़े हुए, तो उस समय का जो दृश्य है, यहाँ पर उसको लेखक ने लिखकर बताया है कि इस निर्णय के बाद सभी लोग दो गुटों में बंट गए, मतलब दो भागों में गांव के लोग बंट गए, गांव में दो समूह बन गए, गुट मतलब समूह। सारे युवक हाथों में बल्लम और तलवारें लिए मैदान में एक दूसरे के सम्मुख आकर खड़े हुए। जब पंचायत चल रही थी, बंटवारे की बात चल रही थी, तो गांव के सारे युवक जिनके पास जो भी हथियार थे, लाठियां, बल्लम, तलवारें, सब हाथ में लिए आकर एक दूसरे के सम्मुख मतलब आमने सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों से क्रोध और नफरत की चिंगारियां निकल रही थी। उनकी आंखों से क्रोध मतलब गुस्सा, सभी लोग बहुत क्रोधित थे। नफरत मतलब घृणा, यहाँ पे हमने शब्दार्थ लिखा हुआ है, देख लीजिए, नफरत का अर्थ होता है घृणा। और सब एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, तो सभी लोगों के हृदय में क्रोध और नफरत की चिंगारियाँ एक दूसरे के प्रति थीं और उनकी मुट्ठियाँ बल्लम और तलवारों के मुठों पर मजबूती से कसी हुई थी और उनके हाथों की मुट्ठियाँ, किसी के हाथ में बल्लम था तो बल्लम की लाठी पकड़कर, और जिनके हाथ में तलवारें थी तो तलवार की मुट्ठी पकड़कर, यहाँ पर पकड़ा जाता है तलवार, तो वहाँ पकड़कर सब मजबूती से पकड़कर एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े थे, मानो कि अभी एक दूसरे से लड़ाई करने को ही तैयार है या एक दूसरे पर झपट पड़ने को ही तैयार है, एक दूसरे पर झपट पड़ने को तैयार खड़े थे। ऐसा लगता था कि एक थोड़ा सा इशारा होते ही दोनों गुट आपस में लड़ने के लिए भिड़ जाएंगे। तभी एक अनहोनी हो गई। फिजा में एक महीन सा सुर बुलंद हुआ, जैसे किसी परिंदे का कोमल पर हवा में कांप रहा हो, कोई गा रहा था। उसी दौरान सब लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, उसी दौरान एक अनहोनी घटना घटी। अनहोनी मतलब असंभव घटना, यहाँ पे हमने शब्दार्थ में लिखा हुआ है, आप देखिए, अनहोनी मतलब असंभव घटना घटी। जब सभी लोग नफरत से एक दूसरे के सामने
हथियार लेकर खड़े थे, उसी समय एक अनहोनी घटना घटी। घटना क्या घटी? फिजा में एक महीन सा सुर बुलंद हुआ। फिजा मतलब वातावरण, सुर मतलब गाने का सुर, बुलंद मतलब ऊंचा हुआ। यहाँ पे देखिए हमने शब्दार्थ लिखा हुआ, फिजा का अर्थ वातावरण, बुलंद मतलब ऊंचा। उसी समय वातावरण में एक बहुत ही सुरमय संगीत लोगों को सुनाई देता है, जैसे किसी परिंदे का कोमल पर हवा में कांप रहा हो, कोई गा रहा हो। वह गीत ऐसा सुनाई देता था, सुनाई देने पर ऐसा प्रतीत होता था कि किसी परिंदे का, किसी पंछी का कोमल मुलायम पर मतलब पंख, ऐसा लगता था कि किसी पंछी का मुलायम पंख हवा में कांप रहा हो और कोई गा रहा हो। उन्होंने आवाज़ की ओर देखा। पहले तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर जब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो उन्हें नन्ही परी एक पेड़ की डाल पर बैठी दिखाई दी। ध्यान दीजिए, पहले तो गांव वालों को कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने गांव के लोग जो थे वहां पे खड़े हुए थे एक दूसरे के सामने हथियार लेकर, उन्होंने इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखा। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तब उन्हें वह परी दिखाई दी। वह परी एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी और कैसे स्थिति में थी, उस स्थिति को आगे लेखक लिखते हैं। उसके बाल बिखरे हुए और गाल, परी के जो बाल थे वो बिखरे हुए थे और परी के गाल आंसुओं से भीगे हुए थे, पर नोचे हुए और कपड़े फटे हुए थे, जैसे वह घने कांटेदार झाड़ियों के बीच से गुजर कर आ रही हो। उसके पांव नंगे और तलवे जख्मी थे। वह पेड़ से उतरकर मैदान के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर रखे थे, जैसे उन्हें एक दूसरे पर हमला करने से रोकना चाहती हो। परी की स्थिति, पहले परी कैसी थी? बहुत सुंदर थी, सुर्ख गाल थे, सुनहरे बाल थे और ऐसी स्थिति थी परी की। आप लोगों जब ये पहला भाग इस गीत पाठ का पढ़ाया जा रहा था तो आपको बताया गया था परी के बारे में, लेकिन अब परी की हालत कैसी, बहुत ही खराब हो गई। और उसके आंसुओं से भीगे हुए गाल थे, पर नोचे हुए, पर मतलब उसके पंख ऐसा लगता है कि नोचे हुए हैं, किसी ने नोचा है उसको पकड़ पकड़ कर। कपड़े, परी के कपड़े एकदम फटे हुए थे, जैसे वह ऐसा प्रतीत होता था कि परी किसी कांटेदार झाड़ी के बीच से जबरदस्ती फंसी हो और जबरदस्ती निकल कर आई हो। उस परी के पांव नंगे थे, उसके पांव में कुछ नहीं था और पांव के जो तलवे थे वे जख्मी थे। जख्मी मतलब घायल, यहाँ पर हमने शब्दार्थ लिखा है जख्मी का अर्थ घायल। देखिए आप आगे, उसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर रखे थे, जैसे उन्हें एक दूसरे पर हमला करने से रोकना चाहती। परी अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए थे, फिजा मतलब वातावरण में से ऊपर उठाए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि परी दोनों गुटों को झगड़ा करने से रोक रही हो। तलवारों के मुठों और बलुओं पर कसी हुई मुठियाँ तनिक ढीली हुई, जो एकदम मजबूती से लोग एक दूसरे के आमने सामने तलवार और बलम पकड़ कर खड़े थे। परी को देखकर, परी की आवाज़ सुनकर, परी के मधुर गीत सुनकर उनकी मुठियाँ तनिक मतलब थोड़ी ढीली हुई, मतलब थोड़ी जो मजबूती से पकड़े थे उनकी मुट्ठी थोड़ी ढीली हुई। वह गा रही थी मतलब कौन गा रही थी? परी गा रही थी। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि उनके सीने तड़प उठे। परी जो गीत गा रही थी इतने दर्द भरी आवाज़ में, इतने दर्द भरा गीत गा रही थी कि जो लोग वहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने लड़ाई करने के लिए खड़े थे उनके सीनों में दिल तड़प उठे, मतलब वे सभी लोग बेचैन हो गए कि परी इतने तड़पती हुई आवाज़ में, इतनी बेचैन करने वाली आवाज़ में क्यों गीत गा रही है। दिल तड़पना मतलब बेचैन होना, सभी लोगों के दिल बेचैन हो गए परी की दर्द भरे गीत को सुनकर। आवाज़ धीरे धीरे बुलंद होती गई, इतने बुलंद जैसे सितारों को छूने लगी हो। परी की आवाज़
धीरे धीरे बुलंद होती गई, धीरे धीरे बढ़ती गई और इतनी बड़ी कि ऐसा लग रहा था कि पूरे वातावरण में परी के द्वारा गाया जाने वाला संगीत, गाया जाने वाला गीत सुनाई दे रहा हो। पूरे वातावरण ऐसा लग, बहुत दूर तक ऐसा लगता है सितारों को छूने लगी हो। उसकी आवाज़ चारों दिशाओं में फैलने लगी, फैलती गई। परी की वह जो दर्द भरा गीत था, धीरे धीरे उसकी आवाज़ तेज होती गई और पूरे पर्यावरण, पूरे वातावरण में चारों तरफ फैल गई। इतनी फैली कि चारों दिशाओं में उस आवाज़ के प्रतिध्वनि से गुजरने लगी। प्रतिध्वनि मतलब एक ही आवाज़ का बार बार सुनाई देना, जैसे किसी कमरे में आप जाकर जोर से चिल्लाते हो, जोर से आवाज़ करते हो तो थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज़ सुनाई देती है, उसको बोलते हैं आवाज़ की प्रतिध्वनि। ऐसा लग रहा था कि परी के गीत की आवाज़ चारों दिशाओं में बार बार सुनाई दे रही, उसकी प्रतिध्वनि बार बार सुनाई दे रही है। लोग अचरज से आंखें फाड़े, मुंह खोले उसका गीत सुनते रहे। लोग अचरज से, अचरज मतलब अचंभा, अचंभित होकर अपने आंखें फाड़े हुए, मतलब आंखें फाड़ने से तात्पर्य है कि आंख के पलके गिर नहीं रहे थे लोगों के, एकदम आंख खुले हुए आश्चर्य से, मुंह खोले हुए परी के गीत लोग सुनते रहे, बहुत देर तक सुनते रहे। यहाँ तक कि उनके हाथों में दबित तलवारें फूलों की छड़ियों में परिवर्तित हो गई और बल्लम मोरछल बन गए। परी के दर्द भरे गीत से कवि लिखते हैं कि लोगों का मन इस तरह से परिवर्तित हुआ कि जो लोग तलवारें एक दूसरे पर हमला करने के लिए लेकर खड़े थे, वे तलवारों मानो फूलों की छड़ियां बन गई। मतलब वो तलवारें, फिर उन्होंने फैसला कर लिया कि हम लड़ाई नहीं करेंगे और जो बल्लम थे वो मोरछल बन गए। मोरछल मतलब मोर के पंख से बना हुआ पंखा है, जैसे वो मौलवी लोग और लिए नहीं रहते हैं लोगों को झाड़ फूँक करने के लिए, वो उसको कहते हैं मोरछल। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है दिल तड़पना मतलब बेचैन होना, परिवर्तन मतलब बदली हुई, मोरछल मोर पंख से बना चंवर। और गीत के बोल उनके कानों में रस घोलते रहे और धीरे धीरे वह सब एक दूसरे से एक अनदेखी अनजान डोर में बहते चले गए, जैसे वह सब एक ही माला के मोती हों, जैसे वह एक ही माँ के जाए हों। परी की दर्द भरे गीत सुनकर गीत के बोल, गीत में उस संदेश जो परी ने दिया, उससे क्या हुआ कि लोगों गीत के बोल उनके सबके कानों में रस घोलते गए, एक अलग प्रकार का संदेश देते गए, उनके विचार को परी के गीत के आवाज़ उनके कानों में पड़ते गए और उनके विचार क्या हुए बदलते गए। धीरे धीरे सभी लोग एक दूसरे से, एक अनदेखी जो कभी दिखाई न देने वाली, अनजान जिससे लोग जान पहचान से, ऐसे डोर में बदते गए। कहने का तात्पर्य है धीरे धीरे उस परी के जो गीत थे, वो संगीत थे, उस संगीत के माध्यम से लोगों के मन में, लोगों के हृदय में जो भी एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना, दुश्मनी की भावना, जो भी गिला शिकवे थे, सब धीरे 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 ख़त्म होते गए। फिर पहले जैसे लोग एक दूसरे से प्रेम के धागे में जुड़ते चले गए, जैसे वह सब एक ही माला के मोती हों। सब लोग ऐसे बन गए जैसे एक ही धागे में पिरे हुए मोती जैसे दिखाई देते हैं, एकजुट होते हैं। उसी तरह से उस गांव के, उस बस्ती के लोग फिर से एकजुट हो गए। वह जैसे कैसे हो गए, जैसे वह एक ही माँ के जाए हों, जाए मतलब पुत्र, जैसे एक ही माँ के पैदा हुए सारे लोग पुत्र हों, जाए मतलब पुत्र या पैदा हुआ। यहाँ कहने से मतलब है कि सभी गांव के लोग इस प्रकार से आपस में मिल गए जैसे कि दो सगे भाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उधर गीत समाप्त हुआ और वह अपने मैली आस्तीनों से आंसू पोंछते हुए एक दूसरे के गले लग गए। जैसे ही गीत समाप्त हुआ वैसे ही सभी लोग अपने मैली आस्तीनों से, आस्तीन मतलब बांह, आस्तीन मतलब बांह, आस्तीनों मतलब बाहों से,
आस्तीन मतलब बाह, और आस्तीन का बहुवचन आस्तीनों लिखा है, तो मतलब बाहों से, अपने महली बाहों से आंसू पोंछते हुए लोग एक दूसरे के गले लग गए। जब जब आंसुओं का गुब्बार कम हुआ तो उन्होंने अपनी प्यारी परी को तलाश करना चाहा, मगर वह उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। जब आंसुओं का गुब्बार, जो लोगों के अंदर गिलवे सिकवे थे, जो नफरत की भावना थी, बहुत सारे पूरे गांव भर रोया, बहुत रोए, और बहुत रोने के बाद जब उनके आंसू रुके तो सब लोगों ने परी को तलाश करना ढूंढना शुरू किया, लेकिन परी उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। ओझल होना मतलब गायब होना, उनकी नज़रों के सामने से परी गायब हो चुकी थी। बस्ती वालों ने उसे बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, वादे वादे, वादे मतलब पहाड़ों की वादियों में जंगल जंगल ढूंढे, मिन्नतें मांगी, मिन्नत मतलब प्रार्थना की, परी के मिलने की लोगों ने प्रार्थना की, दुआएं की, मगर वह दोबारा जाहिर नहीं हुई। लेकिन फिर से परी गांव वालों को कभी दिखाई नहीं दी, जाहिर होना मतलब दिखाई नहीं देना, जाहिर नहीं होना मतलब दिखाई नहीं देना। तब बस्ती वालों ने उसकी याद में एक मूर्ति बनाई, उसे बस्ती के बीचों बीच मैदान में स्थापित कर दिया। तब बस्ती वालों ने, जब परी नहीं मिली, तब बस्ती वालों ने यह निर्णय किया, यह फैसला किया, अब बस्ती, अरे परी हम लोगों को नहीं मिली है, चलिए हम परी की याद में एक परी की मूर्ति बनाकर गांव के बीच बीच में, बीचों बीच में बने मैदान में उस परी के मूर्ति को गांव वालों ने स्थापित कर दिया। कहते हैं, आज भी बस्ती के लोगों में जब कोई विवाद होता है, सब मैदान में उस मूर्ति के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उस गीत को दोहराने लगते हैं। इस तरह बस्ती वाले आज भी उस गीत के कारण शांति और चैन से जिंदगी बिता रहे हैं। आज भी लोग कहते हैं, बहुत समय पुरानी बात है, लेखक कहानी में कहते हैं अपने बच्चे से, बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन लोग कहते हैं आज भी उस बस्ती में जब किसी के बीच कोई झगड़ा झंझट हो जाता है, दो परिवार के बीच में हो जाता है, या दो घरों के बीच में होता है, या दो भाइयों के बीच में होता है, तब लोग उस बस्ती के बीचों बीच बने मैदान में जो परी की मूर्ति है, उस मूर्ति के पीछे के सामने आते हैं, आसपास खड़े हो जाते हैं, मूर्ति के गिर्द इकट्ठे होते हैं, गिर्द मतलब आसपास इकट्ठे होते हैं, और वही गीत गाते हैं जो परी गीत गाई थी। ऐसे गीत गाने से लोगों के हृदय में जो नफरत की भावना रहती है वह दूर हो जाती है, फिर लोग शांति और मिलजुल कर रहने लगते हैं। जैसे उनके दिन फिरे, खुदा हम सबके भी दिन फेरे। देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं, जिस तरह से उस गांव के लोगों के दिन फिरे, आपस के नफरत द्वेष लूट मार हत्या सब से दूर हो गए, लोग सब खत्म हो गए उनके दिलों से, उसी तरह से आज हमारे समाज में यह जो सारी चीज़ें फैली हुई हैं, यह जो अराजकता फैली हुई है, यह जो हिंसा की भावना फैली हुई है, यह मार काट की भावना फैली हुई है, लोगों के नुकसान पहुंचाने की जो भावना लोगों में फैली हुई है आज हमारे भारत देश में, आज संसार में, लोग कहते हैं, लेखक कहते हैं, जिस तरह से बस्ती वालों के दिन फिरे, लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे, उसी तरह से हमारे गांव का, हमारे परिवार का, हमारे देश का, हमारे समाज का भी दिन फिरे, हम सब भी आपस में मिलजुल कर रहें। आगे कहते हैं, मैंने कहानी ख़त्म करके अपने बेटी की तरफ देखा, चेहरा बिल्कुल सपाट था। मैंने जम्हाई लेते हुए कहा, चलो अब सो जाओ, कहानी ख़त्म हो गई। लेखक अपने बच्चे से कहते हैं कि अपने कहानी ख़त्म करने के बाद अपने बच्चे की तरफ देखते हैं, बच्चे का चेहरा एकदम सपाट, सपाट मतलब एकदम सोचनीय चेहरा था, चिंतित था बच्चा, और लेखक जम्हाई लेते हुए कहते हो, चलो बेटा सो जाओ, अब कहानी ख़त्म हो गई। अब हम आज के इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, जो आगे इस पार्ट के बचे हुए भाग हैं उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इस जो आज हम पढ़े इससे संबंधित कुछ
इस पैराग्राफों से संबंधित कुछ प्रश्न तैयार होते हैं। देखते हैं हम कौन कौन से प्रश्न हैं और किस प्रकार के प्रश्न हैं उसको हम देखते हैं। ध्यान दीजिए, पहला एक प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृत कीजिए। उससे पहला है संजाल पूर्ण करो। जब ये संजाल पूर्ण करने के लिए आता है तो ये समझ लीजिए कि चार ऑप्शन को आपको लिखना रहता है, चार उत्तर लिखने रहते हैं छोटे छोटे, चाहे एक दो क्रम करके एक दो तीन चार हो या इस प्रकार से चार बॉक्स में आपको लिखना हो। फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगा आपको कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे रहेंगे इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, लिखा रहेगा और यहाँ पर बॉक्स बने होंगे, यहाँ पर बॉक्स बना होगा और यहाँ पर ऐसे ऐसे चार खाली बॉक्स लिखे बने रहेंगे, आपको उन बॉक्सों में लिखना रहेगा। अब अपने उत्तर पुस्तिका में पहले आप उत्तर लिख देंगे, उसके बाद उसको बॉक्स में फिट करोगे, उसके चारों तरफ लाइन खींचकर बॉक्स बनाओगे। तो चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। परी के गीत का लोगों पर प्रभाव, कहने का तात्पर्य है परी के गीत का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ में लिखा है, जब परी गीत गाने लगी तब क्या क्या हो गया, चारों दिशाओं में उसकी आवाज़ फैली, लोग अचरज से आँखें फाड़े हुए मुंह खोले गीत सुनने लगे। यहाँ पर देखिए, उनके हाथों में दबी तलवारें फूलों की छड़ियों में परिवर्तित हो गई, बल्लम मोरछल बन गए और गीत कानों में रस घोलते गए। धीरे धीरे लोग एक डोर में बनते चले गए और आगे यहाँ पर देखिए, लोगों के दिल की नफरत कम हो गई, एकजुट हो गए, लोग मिलजुल कर रहने को तैयार हो गए, फिर से भाईचारे की भावना उस गांव के लोगों के हृदय में मन में आ गई। ये सारी चीज़ें आप उत्तर में लिख सकते हो। तो चलिए हम उत्तर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहले हम पहला उत्तर देखते हैं, ये हाथों में दबी तलवारें फूलों की छड़ियों में परिवर्तित हो गई। यहाँ से लिखेंगे हाथों में, यहाँ पर देखिए आप सभी, हाथों में दबी तलवारें फूलों की छड़ियों में परिवर्तित हो गई। इसे लिख ले आप, तो क्या करोगे इसको आप स्केल से यहाँ पर ऐसे इस तरीके से आप बॉक्स बना दोगे या डब्बा बना दोगे, ऐसे आपको करना है। पहले से आप बॉक्स बना दोगे, हो सकता है जो आपको लिखना रहे वो बाहर ज़्यादा हो जाए तो बाहर चला जाता है। अब दूसरा देखिए, बल्लम मोर छल बन गई, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर बल्लम मोरछल बन गए। ऐसे अब इसके आगे क्या लिखे, लोग एक दूसरे के गले लग गए, लिख सकते हो इसको, लोग एक दूसरे के गले लग गए। इस तरह से इसको बॉक्स में फिट कर दोगे। आगे सभी लोग एक
अनजान डोर में बंद थे चले गए। इस तरह से आपको परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। देखिए, ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या बनता है। शब्द संपदा, शब्द संपदा के अंतर्गत समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द आते हैं और उपसर्ग प्रत्यय और भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग अलग करके लिखिए। शब्द क्या है, विवाद, अपलक, प्रभाव। ध्यान दीजिए, आप इसमें आपको बताया गया था, जब उपसर्ग बताया जा रहा था कि उपसर्ग मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है और जुड़कर मूल शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। तो ये जो तीन शब्द हैं इनके प्रारंभ में देखोगे ऐसे कौन से शब्द या शब्दांश जुड़े हैं जो कि मूल शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वी मूल शब्द है वाद, इसमें क्या उपसर्ग जुड़ा है, वी। यहाँ पे मूल शब्द है पलक, उसमें क्या उपसर्ग जुड़ा है, अ। पलक में अ जुड़ गया तो अपलक हो गया। यहाँ पे मूल शब्द है भाव, यहाँ पर अरे उपसर्ग है प्र, प्र उपसर्ग भाव शब्द में जुड़कर भाव शब्द का अर्थ परिवर्तित कर प्रभाव कर देता है। इस तरह से आपको अपने क्लास वर्क के बुक में लिखना है। आगे अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब विरुद्धार्थी शब्द। शब्द हैं शांति, काल्पनिक, प्रेम। शांति का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा, अशांति। अशांति काल्पनिक मतलब जो चीज़ें कल्पना मात्र में हो, इसका समानार्थी होगा काल्पनिक का वास्तविक। और प्रेम, प्रेम का नफरत। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपको आकलन संबंधित प्रश्न और ये शब्द संपदा के प्रश्न बताए गए, इन और शब्दार्थ को आपको अपने क्लास वर्क के नोटबुक पर लिखना है और इन सबको ग्रुप में शुक्रवार या शनिवार को आपको सेंड करना है या भेजना है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि एक बार फिर से परी गांव वालों के बीच जो नफरत, द्वेष और जो गलत भावनाएं थी उसको फिर से एक बार अपने गीत के माध्यम से ख़त्म की और फिर से लोगों को पहले के जैसा मेलजोल करके रहने के लिए विवश किया और सब लोग रहे। और लेखक चाहते हैं कि हम लोग भी ऐसे ही मिलजुल कर एक दूसरे के सुख दुख में शरीक हों, एक दूसरे के प्रति अपनत्व की भावना रखें, अपने मन में किसी प्रकार का किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की भावना न रखें। इस प्रकार से हम अपने परिवार को एकजुट करके रख सकेंगे और अपने समाज को एकजुट करके रख सकेंगे। इससे हमारा, हमारे परिवार का और हमारे समाज का और हमारे देश और साथ ही साथ संसार का विकास होगा और आपस में भाईचारे की भावना विकसित होगी। तो हम इस पाठ के बचे हुए भाग को अगले वीडियो में देखेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार।